हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज है 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। आई नो ब्लॉग तो लेट आएगा, बट फिर भी मुबारकबाद दे रही हूँ आप सबको। और आज के दिन जो है आ गए थे हमारे घर पे भैया भाभी, जो कि सडनली आए थे, मतलब पहले से कुछ प्लान नहीं था, तो बस उनकी खातिरदारी फ़िलहाल चल रही है। क्या बोल रहे हो भाभी? भाभी को कीर्ति को पसंद है, अंशु को भी पसंद है, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगे? ठीक है। भाभी ज़्यादातर रोटी पराठे खाती हैं, ये चीज़ें कम खाती हूँ भाभी, पर अच्छे लगे भाभी। अरोली अच्छे लगे? तो ये हमारी भाभी जी आई हैं मिलने के लिए आज, इन्हें पता चला गुड़िया घर पे, तो आ गई मिलने हैं। पता भी नहीं था। अच्छा। और बाहर खा रहे हैं भैया, भैया से पूछते हैं कैसे लगे भैया को, है भैया? है, देखो भैया क्या खा रहे हैं, देखो मटर कुलचे खा रहे हैं भैया। भैया कैसे बने तो मिर्च मसाला कुछ लूँ? बढ़िया बने। और ये भाभी जी हमारी सेक रही हैं, फुल रेडी हो गए आज भाभी, दिख रही हैं टनाटन लग रही हैं आज तो। ये जीनू मामी कैसी लग रही हैं आज? वाह कैसी लग रही हैं? मामी जैसी लग रही हैं। कैसी लग रही हैं आज? आज मामी जैसी लग रही हैं। यहाँ भाभी सेक रही हैं फटाफट 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 कुलचे। मेरी लग गई? समोसा खा लिया था, पेट भरा हुआ था। और बस यार थोड़ी देर रुकने के बाद ही फिर वो लोग जाने लग गए, और यहाँ पे फिलहाल चल रही है विदाई। गन में गाड़ी बोलो, दादी गाड़ी चला के ले जा, गाड़ी में चलो। गाड़ी में चलो, सब रेडी है, चलो चलो। देखो भाभी भी रेडी है, ये भाभी खा रही है, देखो अकेले अकेले लो, ये भाभी लाई है मिठाई घर। भूख नहीं लगी उसे? कहाँ चलना है गाड़ी में? अनमें? अच्छा अनमें गाड़ी में चलना कहाँ है? मेरे घर चलोगे? मेरे घर चलो, फिर कहाँ जाओगे? झूला झूलने पार्क में? अच्छा पार्क में, चलो रेडी हो गए। पापा को उठाओ, पापा को, पापा को उठाओ, चलो दीपक झुला, पापा को बोलो पापा रेडी हो जाओ। जीन्स पहनो जल्दी से, जीन्स पहनो, कपड़े पहनो जल्दी, जूते पहनो। बोलो मम्मी रेडी हो गई घूमने जाना, मम्मी रेडी हो गई, मम्मी तो रेडी है, मम्मी तो रेडी है, अनमे भी रेडी है, और कौन रेडी है? दीदी भी रेडी है, जीनू भी रेडी है, जीनू भी रेडी है, जीनू भी रेडी नहीं है, करना
पापा रेडी नहीं है, जल्दी पहनो दीपक। आ जा आ जा, दीनू को ने चेंज कर दी जीन्स। आ जा थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगी है हमें। हां पहले खा लो, खा लो ठीक है। गाड़ी में चलो। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का ये दिन मुबारक हो आप सभी को। 75th इंडिपेंडेंस डे आज, और बस हम लोग कुछ सेलिब्रेट अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह आ गए थे गेस्ट घर पे। भैया अभी बेटा भी नहीं, अभी धूप हो रही है, अभी अनमे भी सो रहा है ना, थोड़ी देर में जाइए। तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा घुमा लेंगे पार्क में, तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल अनमय जो है वो सो रहा है, आराम कर रहा है, तो उसके बाद देखेंगे। अभी ऐसे भी दोपहर हो रही है, 2:30 बज रहे हैं, तो पार्क ले जाएंगे इनको झूला वूला झूला के और ले आएंगे बस। और भैया भाभी आ गए थे जो कि पास में रहते हैं, मतलब बहुत दूर नहीं, पास में रहते हैं, और एक बार और भी आ चुके हैं पहले भी। तो ये अचानक से हुआ कि मेरे से मिल लिए वो लोग, मैं भी यहाँ पर थी तो मिलना हो गया थोड़ा सा, बट फिर फटाफट से चले गए वो, ज़्यादा देर रुके नहीं। ओ भाई उड़ा कर रहे हैं ये लोग। लो भाई देखो बारिश आ गई है, क्या हो गया आपने, आपने लगता है। नमस्ते। देखो इनके पतंग का प्लान कैंसिल हो गया। दीदी ऐसा मत बोलो, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। वैसी बारिश में कहाँ उड़ाएगा, देखो हम ऊपर जाके पतंग उड़ाएंगे। बारिश तो इसलिए आई ताकि धूप खत्म हो जाए। हाँ, ताकि हमें हवा लगे, ठंडक लगे थोड़ी। पॉजिटिविटी हमारी ऐसी है। और ये लोग पतंग भी बहुत दूर से लेके आए, मेहनत करिए लाने, इतनी मेहनत करिए लाने में, और मुझे नहीं लग रहा बंद होगी। जीनू की देखो पतंग छोटी थी, जीनू दिखाना बेटू। ओ, 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 ओ। बारिश में क्यों नहा रहे हो, इधर आ जाओ, जुकाम हो जाएगा, चलो अंदर अंदर। बारिश हो चुकी है बंद फाइनली, और मम्मी भी आ गई ऊपर का नज़ारा लेने के लिए। सब लोग पतंग उड़ाना स्टार्ट हो गए, यहाँ ऊपर उड़ रही है पतंगे। अभी ऊपर चलते हैं। उड़ाई है या नहीं उड़ाई, गर्मी और कर दी, थोड़ी सी बारिश हुई है फिर बंद हो गई है। जीनू पैर कट जाएगा देख के, तोड़ देगी, तोड़ देगी। पैर उठाओ, अरे फोन में ध्यान बाद में देख लो भाई। ये देखो भाई नजारा, और यार मुझे ना आवाज़ बीच बीच में म्यूट करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह गाने चला रखे थे सबने, बड़ी तेज थे आवाज़ में, तो उसके वजह से क्या मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। और ये सामने वाला घर, ये जो आकाश का है, जिनको मैंने दिखाया था आपको राखी वाखी बांध के आई थी मैं, तो वही लोग हैं ये लोग, सामने उड़ा रहे पतंग। और नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था ना यार, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर छत पर बादल हो गए थे क्योंकि बारिश तो थोड़ी सी हुई थी, बट बादल थे काफ़ी, तो देखने में इतना मस्त लग रहा था, तो मैंने फिर पूरी की वीडियो बना ली, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया जाए। और बस ये आ गए थे शुभम के दोस्त जो कि इंजॉय कर रहे थे घर पे ही आके, और हमारा यार बाहर जाने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि एक तो ये था कि इस दिन ना बाहर जाने में थोड़ा ना रिस्क रहता है, एक तो जाम आम का लोग भी काफ़ी जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, ऊपर से पतंगे वतंगे उड़ती हैं तो बहुत रिस्क रहता है बाहर बाहर जाने में, तो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ये तो नीचे ही आ रही है, तुम आपस में मत लड़ा, आपस में मत लड़ा लेना। आ गई आ गई। और वैसे तो यार सेफ नहीं रहता मतलब पतंग उड़ाना, क्योंकि मांझा जो है ना बहुत नुकसान करता है हर किसी को, पक्षी वगैरह को, तो बट यही है कि एक दिन मिलता है तो सब लोग सोचते हैं कि इंजॉय कर लो, और काफ़ी टाइम से रीच चली आ रही है पतंग उड़ाने की। और मैंने भी फिर ट्राई कर लिया, एक मुझे उड़ा के दे दी इन लोगों ने, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा उड़ा लेती हूँ, हाथ मार लेती हूँ उस पर, तो बस वही थोड़ा सा कर लिया, फिर इन लोगों की फ़ोटो वोटो कर ली, और बस ज़्यादा नहीं उड़ाई थी, 2-4 ही उड़ाई थी इन लोगों ने।
होगा कुछ कह रहा है। जाइए ये ले लेगी, ये ले लेगी मिश्का। और थोड़ी देर बाद यार हम सब लोग फिर नीचे आ गए थे एंजॉय करने के बाद, और फिर शाम का टाइम हो गया था पूजा का, तो मम्मी फिलहाल वही कर रही हैं। और इसके बाद जो है फिर मैं बच्चों को आइसक्रीम दिला के लेती ये जी इन्हू लाई है अपनी पसंद करके आइसक्रीम। कैसी है, है? ये तो बहुत बढ़िया जी, इन्हू मेरे को भी खिला दो। तो यार इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।